रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई विल टीच यू प्रेप क्लास ड्राइंग बुक पेज नंबर 12। और क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द डिफरेंट शेप्स एंड कलर देम। यानी इसमें से जो शेप्स एंड डिफरेंट वो उनको हमने देखना है और फिर उनको हमने कलर्स कर देना है। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट शेप जो है वो क्या है, ये है रेक्टेंगल शेप। अब देखें, और आपने क्या करना है, आपके लिए कलर्स के लिए बहुत आसानी है। यहाँ जिस कलर की शेप बनी हुई है ना, अब ये देखें, जैसे ये रेड कलर से बना हुआ है रेक्टेंगल, तो उसी वही वाला कलर आपने कर देना है। जैसे रेड है तो मैंने रेड यहाँ पे कलर पकड़ा है और लिया है उसी के, वो ही रेड कलर मैं इस शेप में कर दूँगी। और आपने ऐसे बिल्कुल ध्यान, मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ, आपने इसी तरह आउटलाइन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आउटलाइंस ऐसे ही बनानी है, बिल्कुल इस आउटलाइन के साथ कलर्स इसी तरह से आपने सारी आउटलाइन बनानी है और फिर उसके अंदर कलर कर देने हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि कलर्स का मेथड मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास क्या शेप है, ये है स्क्वायर शेप जो कि है ऑरेंज कलर की। इसको भी हमने ऐसे ही लाइन के साथ से स्टार्ट करना है, आउटलाइन बनानी है इसकी, पूरी बाउंड्री बना के फिर हमने इसमें अंदर पूरा कंप्लीट कलर कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेप है ओवल शेप, और ये कौन से कलर की है, ये है ग्रीन कलर की। तो इसमें भी हम ऐसे ही इसकी साइडों से पहले शुरू करेंगे और फिर अंदर पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे ही उसके शेप जो है वो क्या है, रेक्टेंगल शेप है, ब्लू कलर की है। ये हम ब्लू कलर इसी तरह से आउटलाइन इसकी बनाएंगे पहले सारी साइड से और उसके बाद अंदर कलर्स कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है ट्राइंगल, वो भी रेड कलर की है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले रेक्टेंगल का बताया है, उसी तरह से आपने ट्राइंगल में भी ऐसे ही कलर कर देना है। ठीक है, एक साइड में आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद कंप्लीट करेंगे जी। उसके बाद नीचे जो है ये भी है रेक्टेंगल शेप है, ये भी क्या है, रेक्टेंगल शेप है, ब्लैक कलर की है। इसी तरह से आपने इसमें भी ब्लैक कलर कर देना है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे वाली शेप ओवल है, इसमें भी आपने ऐसे ही शेप में कलर कर देना है। ये है सर्कल, सर्कल के अंदर भी आप ऐसे ही ग्रीन कलर कर देंगे जी। इसी तरह से आपने इसको पूरा आउटलाइन पहले बनानी है, उसके बाद कलर कर देना। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी सेम यही रेड कलर होगा। और फिर ये है ओवल शेप, ओवल शेप यहाँ पे ब्लैक कलर की है, तो उसमें भी हम ब्लैक कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास इन शेप से डिफरेंट है, ये है पेंटागोन, पेंटागोन है जो, ये भी रेड कलर का है पेंटागोन। इसी तरह से आपने इसको भी ऐसे ही पहले इसकी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, ये आपके लिए न्यू है तो ये मैं आपको एक बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और आपको बार बार मैं बताती हूँ कि वाइटनेस इतने डार्क होनी चाहिए आपके कलर्स के, पेपर की वाइटनेस शो ना हो उसमें से। ठीक है, मेरा थोड़ा सा जी। और यहाँ पे भी ये पेंटागॉन है, इसके अंदर देखिए कौन से कलर का बना हुआ है, ये ब्लू कलर का बना हुआ है, तो इसमें हम ब्लू कलर ऐसे ही कर देंगे। नीचे क्या है, नीचे है ये स्क्वायर है, ये ब्लैक कलर का है, यहाँ पे इसमें भी आप यहाँ ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पेज, नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 14। यहाँ पे हमारे पास है ज्वाइन द डॉटेड लाइंस ऑफ पियर विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन एंड कलर इट ब्यूटीफुली। यानी कि हमने स्केच पेन जो बन, ये स्केच पेन देखे इसके साथ डॉटेड लाइन के साथ बना हुआ है, इनको आपने ट्रेस करना है और फिर इसके अंदर ये जस्ट सेम कलर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर का आप लीफ बना देंगे और लाइट ग्रीन कलर की आप पियर बना देंगे। मैं थोड़ी सी आपको स्केचिंग बता देती हूँ, उसके बाद आपने सब खुद ही कंप्लीट करना है। यहाँ हम पहले इसकी जी, पहले हम इन लीव्स, इन डॉट्स को, ये लीफ जो बना हुआ है पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। और आपने बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए आपका हाथ, बिल्कुल ना हिले, ध्यान से आपने करना है। ज़रा भी लाइन डॉट, जो डॉट्स हैं आपके, बिल्कुल भी आपके पेंसिल इन डॉट्स से बाहर ना जाए, इनके ऊपर ऊपर ही करते, इसी तरह से आपने सारा स्केचिंग कर देनी है इसकी और फिर उसके अंदर कलर्स कर देने हैं जी। स्टूडेंट्स,
उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।